भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के JN1 सब वेरिएंट के मामले हर किसी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। बात बीते 24 घंटे की करें तो भारत में कोरोना के 602 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 5 की मौत हुई है। नमस्कार, मैं हूँ रिया माला और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। भारत में कोरोना तेजी से अपने पैर फैला रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कुल 602 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं 602 नए मामले सामने आने के बाद कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,440 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटका सरकार ने पिछले 24 घंटों में कोविड के कारण एक मौत की सूचना दी है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 148 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कुल 7,305 टेस्ट किए गए हैं और पॉजिटिविटी रेट 2% के करीब रहा। आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक JN1 सब वेरिएंट के कुल 263 मामले सामने आए हैं, जिनमें से लगभग आधे केरल में रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायरस के JN1 सब वेरिएंट की उपस्थिति का पता लगा है। डाटा के अनुसार ये केस केरल में 133, गोवा में 51, गुजरात में 34, दिल्ली में 16, कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 9, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और उड़ीसा में 1 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार कोरोना महामारी में अब तक 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर में अब तक 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक है। वेबसाइट के मुताबिक देश में अब तक 220.67 करोड़ लोगों को कोविड टीकों की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार हरकत में आ गई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाते वक्त विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि का कड़ाई से पालन करने से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम किया जा सकता है। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।